नए वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। पत्नी के बगैर पति आधा माना जाता है। पति के अधूरेपन को जो पूरा करे उसे अर्धांगिनी कहते हैं। झिम झिम के ये प्यारे प्यारे गीत रे, आई रात सुहानी देखो गीत रे, गीत मेरे सुनो जरा हवा कहे क्या, सुनो तो जरा झिंगर बोले चिकी मिकी चिकी। आज से पहले जब कभी मेरा जन्मदिन आता था, मैं समझती थी मेरी जिंदगी का एक साल कम हो गया है, मौत से और करीब आ गई। राजा रानी जिस तरह इतिहास की बात बनकर रह गए हैं, उसी तरह ऊंच नीच की बातें भी पुरानी हो गई हैं। जिस तरह कल के राजा आज के मामूली इंसान है और किसी पर हुक्म नहीं चला सकते, उसी तरह आज का हर मामूली इंसान अपने दिल का राजा आप है। जारे कारे बदरा पलम के बा, वो है ऐसे बुत को न समझे रे प्यार, वही जाके रो। मैं अब कभी तुम्हारे रास्ते की रुकावट नहीं बनूंगी और भगवान से हमेशा तुम्हारी रक्षा की दुआ मांगूंगी। तुम तो सबके रखवाले, बहुत सुना है ना, मैं तब जानू जब तुम मेरी बिगड़ी बनाओ दोषा। आज हम बात कर रहे हैं अपने दौर की बेहतरीन अदाकारा और खूबसूरत अभिनेत्री नंदा की, जिन्होंने अपने फिल्मी करियर में राज कपूर, देव आनंद, सुनील दत्त और राजेंद्र कुमार के अलावा कई न्यूकमर्स के साथ भी बेझिझक काम किया, जैसे कि मनोज कुमार, धर्मेंद्र, संजय खान और जीतेंद्र। ऐसे ही एक न्यू कमर थे शशि कपूर, जिनके साथ नंदा पहली बार चार दीवारी में नजर आईं। फिल्म तो फ्लॉप हो गई, पर नंदा उनके साथ जब जब फूल खिले, मोहब्बत इसको कहते हैं, नींद हमारी ख्वाब तुम्हारे, जुआरी, राजा साहब, रूठा ना करो जैसी कई फिल्मों में आती रहीं। शशि कपूर के स्टार्डम के पीछे नंदा का भी जबरदस्त हाथ रहा। तुम क्या खाक शादी करोगे मुझसे, नाम तक तो लिया नहीं जाता मेरा, डर के मारे जान निकली जाती है। रीता, देखो हम तुम्हारा नाम ले सकता है। नाम तो ले सकते हो, लेकिन जरा प्यार से लिया करो, ऐसे रीता। इतना प्यार से क्यों? इसलिए कि जिसे प्यार करते हैं उसे प्यार से पुकारते हैं। देखो मैं तुम्हें कैसे पुकारती हूँ, राजा। ना ना करते, ना ना करते प्यार तुम्हीं से कर बैठे, करना था इनकार मगर इकरार तुम्हीं से कर बैठे, ना ना करते प्यार तुम्हीं से कर बैठे, ना ना करते प्यार तुम्हीं से कर बैठे। तुम्हारी ये पुरानी तहजीब, पुराने ख्याल, पुरानी मरसूदा बातें, भूल क्यों नहीं जाते तुम ये सब कुछ, मान क्यों नहीं लेते कि सीता और रीता में हजारों साल का फर्क। ये लोग इतने गंदे क्यों होते हैं, देखो ना ये कब टूटा हुआ है, इसमें जम्स भी तो हो सकते हैं। क्यों, वैसे राजकुमारी बन गया? बन तो नहीं गई, लेकिन इतने दिन राजकुमारी की एक्टिंग जो की है। वैसे तो नंदा अपने दौर की दूसरी हीरोइनों जैसी ही ग्लैमरस थी, फिर भी अपनी सॉफ्ट नेचर और इनोसेंट अपीयरेंस के चलते उनकी इमेज हमेशा एक घरेलू इंडियन वुमन की रही, जिससे वो किसी भी तरह बाहर निकलना चाहती थी। लिखा है तेरी आँखों में किसका फसाना, लिखा है तेरी आँखों में किसका फसाना,
अगर इसे समझ सको मुझे भी समझाना। लिखा है तेरी आँखों में किसका। गुमनाम और अभिलाषा जैसी फिल्मों के जरिए उन्होंने ऐसी कोशिशें भी की जो उनकी इमेज को मॉडिफाई कर दे। इसी कोशिश में उन्होंने राजेश खन्ना के साथ इत्तेफाक में एक ग्रे कैरेक्टर भी प्ले किया जो अपने जबरदस्त सस्पेंस और थ्रिल के साथ साथ राजेश खन्ना के स्टारडम की आंधी में सुपरहिट हो गई और नंदा को फिल्म फेयर बेस्ट एक्ट्रेस का नॉमिनेशन भी मिला। उसके बाद नंदा और राजेश खन्ना की जोड़ी की दो और फिल्में रिलीज हुई, द ट्रेन और जोरू का गुलाम, जिन्होंने बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कामयाबी हासिल की। हाँ मैंने सोचा तुम मुसीबत में होगी और तुम्हारे माँ बाप भी आने वाले हैं। चलो वो तो आप ही गए। वेरी गुड, फॉर्म मिलवा दो। लेकिन मैं कैसे मिलवा दूँ? क्यों पति से तो उन्हें मैं मिलवा चुकी हूँ। पति तो मैं तुम्हारा किसा... आप ही ने तो कहा था कि किराए का पति ले आओ। वो तो कहा था। अच्छा बाबा मैं अपने अल्फाज वापस ले सकता। लेकिन मैं पति वापस नहीं ले सकती। मैंने दीपू के भाई सॉरी मैंने सुधा के भाई दीपू को पति कैसे मिलवा भी दिया। बात है मैं यहाँ से जाने वाला हूँ। अगर पिताजी पूछेंगे आप कौन है तो मैं क्या कहूँ? जा इतना झूठ बोले एक झूठ और बोल देना। 1973 में नंदा ने ड्रग एडिक्शन जैसे अनकन्वेंशनल सब्जेक्ट पर एक फिल्म की नया नशा, which was completely against her image. शायद बहुत कम लोगों को इस फिल्म के बारे में पता होगा, but I feel it was one of her best performances. तो आइए आगे बढ़ने से पहले नया नशा की कुछ इंटरेस्टिंग क्लिप्स देखते हैं। दादाजी रोज वही क्लासरूम, वही किताबें, वही लेक्चर्स, बोर हो गई थी। बोर्डम तोड़ने के लिए अगर एक दिन दो चार पत्थर फेंक दिए या मुर्दाबाद के नारे लगा लिए तो क्या हो गया? मगर जो लोग हमें नहीं जानते वो तो समझेंगे कि हमारे घर में भी पैसे की तंगी है। हाँ। इसलिए हमने फीस बढ़ाने के खिलाफ बलवा किया। दादाजी सब लोग जानते हैं हमारे पास इतना सारा पैसा है कि रखे रखे नोटों में बांस आने लगी है। बातें हाँ बातें मुला बातें हाँ प्यारे
हाथ जोड़ती हूँ, तुम यहाँ से चले जाओ। अब मैं माँ बनने वाली हूँ, मेरा बच्चा होगा। तुम्हें उस मासूम जिंदगी का वास्ता। मैं इस गंदी आदत को छोड़ने की पूरी कोशिश कर रही हूँ, और ऐसी सूरत में तुम्हारा मेरे आसपास रहना मेरे लिए बहुत खतरनाक होगा। मुझे ये सजा मिली है कि मैंने एक डिफॉर्म्ड, एक बदसूरत बच्चे को जन्म दिया। नशे के नाम से जो जहर मैंने खाया वो मेरी रगों में उतर गया, मेरे खून में घुल गया, मेरी आत्मा में समा गया। मेरा बच्चा उसी जहर से पैदा हुआ था। फिल्म नया नशा और मनोज कुमार की फिल्म शोर के गेस्ट अपियरेंस में नंदा को क्रिटिकल अक्लेम तो मिला, लेकिन उसी दौरान रिलीज होने वाली छलिया, जुर्म और सजा जैसी कुछ फिल्में फ्लॉप रही। 1970s के बदलते दौर में शायद वो ढल नहीं पाई और बड़ी खामोशी से खुद को रुपहले पर्दे से अलग कर लिया। अर्ली 80s में उन्होंने सिर्फ 3 फिल्मों के लिए वापसी की, आहिस्ता आहिस्ता, प्रेम रोग, मजदूर। कोइंसिडेंटली उन्होंने तीनों में पद्मिनी कोलापुरे की माँ का रोल निभाया और हर एक रोल में कमाल की मैच्योरिटी दिखाई। आहिस्ता आहिस्ता और प्रेम रोग के लिए उन्हें फिल्मफेयर बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का नॉमिनेशन मिला। तो इसी बात पर नंदा के कुछ सीन्स हो जाएं। तुम्हारा इंतजार कर रही थी, इतना नहीं कि हमेशा की तरह सीधे मेरे कमरे में आते और कहते, नंदा मैं आ गया हूँ, परेशान मत। रात बहुत हो चुकी है, मैंने सोचा कि तुम्हें सोने दूँ। और ये नहीं सोचा कितनी रातें जागी हूँ तुम्हारी याद में, हर घड़ी हर पल तुम्हारी राह देखते हुए। मैंने भी काटी है परेशानी में कई रातें। सच बता, कितनी बार नाम लिया करते थे मेरा सोते वक्त। प्लीज नंदा अपने कमरे में जाओ, मैं थका हूँ, सोना चाहता हूँ। क्या बात है देव, मैंने तुम्हें कभी ऐसे दुखी नहीं देखा। मैं तुम्हारा बिस्तर किए देती हूँ, और ये कोट मुझे दे दो, मैं रखे। भगवान के लिए मुझे अकेला छोड़ दो मत, हाथ लगाओ इस कोट। अब कभी कुछ नहीं कहूंगी, कुछ नहीं बोलूंगी, और कभी ऐसा ना हो कि मैं तुम्हारे रास्ते की रुकावट बनूं। ये सब क्या हो रहा है? सामान बांध रही है। क्यों? सुबह की पहली गाड़ी से मुझे चले जाए। कहाँ? अपने गांव। वापस कब लौट रही? अब लौटने की जरूरत नहीं है। नौकरी छोड़ के जा रही है? नौकरी से भी अब कोई वास्ता नहीं। शहर की याद नहीं आएगी? नहीं। और अगर मैं बुलाना चाहूँ तो भी नहीं आऊंगी? तो भी नहीं आऊंगी। ये आपकी किताब आपकी के पास रहे तो अच्छा है। तुम गांव वापस नहीं जाओगी नंदा। बहुत हो गया देव, कहानी खत्म हो गई। मत दो धोखा अपने आप को। मैं धोखा नहीं दे रहा हूँ अपने आप को। तो शायद मुझे दे रहे हो। नंदा मैं किसी को धोखा नहीं दे रहा हूँ, ना तुम्हें, ना अपने आप को, ना किसी और को। लेकिन हो सकता है कि मेरा दिल मुझे धोखा दे रहा है। इस समय कुछ नहीं आ रहा है, क्या हो रहा है मेरे अंदर, मेरे बस में, मेरे अख्तियार में कुछ नहीं रहा है। थोड़ा वक्त तो मुझे संभलने का, लटखड़ा रहा हूँ मैं। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं संभलेगा। जैसे ही चलता रहेगा, शुरू होगा, खत्म होगा, फिर शुरू होगा। भला इसी में है कि मैं यहाँ से चली जाऊँ, हमेशा हमेशा के लिए। मुझ में क्या कमी पाई है तुमने इस बार, जो मुझसे इतनी दूर चले गए हो? क्या मेरा रूप खत्म हो गया है, जो तुम्हारा प्यार नफरत में बदल गया? भगवान के लिए मेरी तरफ देखो और मुझे बताओ, कब तक ये घर सुनसान बना रहेगा? मनी, बच्चों से तुम्हें भी बेहद प्यार था, मुझे याद है। मैं तुम्हारे पैरों पड़ती हूँ, कम से कम मेरे आंसू तो देख लो, मेरा रोना तो सुन लो। रूमा मत पूछो ऐसे सवाल जिनका जवाब तुम्हारे दिल पर भारी पड़ेगा। अच्छी हो जा, तुम्हें सब मालूम हो जाएगा। मैं अच्छी कैसे हो सकती हूँ? मुझे सहारा चाहिए मनी, तुम्हारा प्यार चाहिए, जिस प्यार पर मेरा हक है, जो प्यार तुम मुझे दे चुके हो एक बार। वो प्यार तुम्हें अब कभी नहीं मिल सकता, समझ लो रूमा, कि वो मेजर वर्मा जिसके प्यार पर तुम्हारा हक था, लौट कर आया ही नहीं। समझ लो वो मर चुका है जिसे बच्चों से प्यार था। इस घर में अब कभी बच्चे नहीं खेलेंगे,
मत करो ऐसी बातें। मेरा दिल बैठा था। तुमने भी अगर देखा होता जो मैंने देखा है, वो आग, वो धुआं, वो गोलियों की बौछार, वो अनगिनत लाशें धरती पर बिछी हुई, वो दर्दनाक चीखों पुकार, वो खून से सनी हुई जमीन, तुम्हारी आंखों के सामने अगर किसी की आंख, किसी की आंत, किसी का दिल फट के बाहर आ गिरता, तुम भी अगर देख सकते कि इंसान की नजरों में इंसान की जिंदगी कितनी सस्ती है, तो आज मुझसे वो पहले से प्यार न मांगती। अपने अपने हिस्से का दुख हर एक को खुद ही सहना पड़ता, अभी तक कोई उसे बांट नहीं सकता है। मैं तुम्हें सिर्फ सहारा दे सकता हूँ, प्यार नहीं। तुमने मुझे मीठा कह के पुकारा, और जानते हो क्यों? क्योंकि ये मीठा तुम्हारे ख्यालों में बसी हुई है। कौन मीठा? जिसकी वजह से तुम उस पुजारी के आशीर्वाद से डर कर पीछे हट गए थे, जिसका मंदिर की सीढ़ियों पर तुमने हाथ पकड़ा था, जिसकी वजह से मेरा घर आज मुझे डर उठ रहा है, जो मेरे मौत का कारण होगी वही मीठा। छोड़ दो मुझे, मौत मत लो। मेम साहब, क्या है? हमने फैसला कर लिया मेम साहब, हम पढ़ेगा। अच्छी बात है, तो स्कूल जाना शुरू कर दो। नहीं मेम साहब, हम स्कूल में नहीं पढ़ेगा, हम तुमसे पढ़ेगा। मुझसे? हाँ मेम साहब, स्कूल में तो छोटा छोटा बच्चा पढ़ता है, हमको उधर शर्म आएगा। लेकिन बड़े लोगों के लिए भी तो नाइट स्कूल होते हैं। उधर सब बूढ़ा बूढ़ा लोग पढ़ता है, हमको देखकर उनको शर्म आएगा। ओह, तुम्हें एबीसी तो आती है ना? नहीं मेम साहब, अब अंग्रेज लोग सब चला गया, हम अंग्रेजी नहीं पढ़ेगा। तो हम लोग भी बीते पढ़ेगा। मुझे नहीं आती। तो ठीक है, हम आई हूँ पढ़ेगा। अच्छा, बैठो। बहुत अच्छा। अरे वहां बैठ के ना। नहीं मियम साहब, तुम हमारा उस्ताद है, उस्ताद हमेशा ऊपर बैठता है, शागिर्द नीचे। ये लो मियम साहब। अच्छा। स्लेट की तरफ देख कर पढ़ो। मेम साहब, ये किताब गलत छपा है। कैसे? देखो मेम साहब, आदमी ठीक है, औरत भी ठीक है, लेकिन बच्चा गलत है मेम साहब। ये देखो। ठीक तो है? नहीं मेम साहब, ये देखो मेम साहब, ऐसा होना चाहिए, पहले आदमी, फिर औरत, फिर शादी, फिर बच्चा, ठीक है ना मेम साहब? राजा, तुम हमेशा बदतमीजी की बातें करते हो, तुम्हें ये भी मालूम नहीं कि लड़की के साथ किस तरह बात की जाती है? कोई गुस्ताखी किया हो तो हमको माफ करना मियम साहब, लेकिन मियम साहब, हमने इससे पहले किसी लड़की से बात नहीं किया तो हमको कैसे? ओ यू आर अ बोर। गुस्सा नहीं करो मियम साहब। अच्छा देखो मियम साहब, हमको साफ साफ बता दो कि लड़की से कैसे बात करते हैं, हम वैसे ही करेगा। कुछ मैंने सीखो राजा। मैनर्स क्या है मियम साहब? हर काम ढंग से करना चाहिए, बात करने का ढंग, चलने फिरने का ढंग, कपड़े पहनने का ढंग। और कुछ मियम साहब? और तुम्हारा सर, अब जाओ, बाकी सबक कल लेना। आज कैसे वक्त मिल गया आप दोनों को मेरे पास आने का? अरे किसी ना किसी तरह से थोड़ा सा वक्त निकाल ही लिया। बाबा कैसा है? सूरत किसकी है बेटी, तुम्हारी या बाप की? बाप की क्यों होगी जी, अपने ननिहाल पे गया होगा, मेरी तरह, तुम्हारी तरह, या फिर रीना की तरह। क्यों रीना? हाँ, हम सब की तरह है। मैंने कहा था ना, सो तो नहीं रहा, देखूं तो चांद सा मुखड़ा।
सूरत है आप दोनों की। ये अपनी माँ के घर आने पे गया है, अपने नाना नानी की तरह है। रीना, बदसूरत है ना मेरा बच्चा, इसलिए मुंह फेर लिया। मैं तो बदसूरत नहीं थी, फिर मुझसे क्यों मुंह फेर लिया था? मुझे अपना प्यार क्यों नहीं दिया था? कौन कहता है अपना प्यार नहीं दिया हमने तुम्हें? कितना रुपया खर्च किया हमने तुम पर? रुपया खर्च किया है, नौकर नौकरानियां रखी हैं। नौकर माँ बाप की कमी पूरी नहीं करते। अनाथ दौलतमंद के सिवा और क्या नाम हो सकता है मेरा? ये तुम्हारा ख्याल है? ये मेरा ख्याल नहीं, असलियत है। आप दोनों को अपने आप से फुर्सत नहीं, इसलिए मैं बहक गई, भटक गई। मैं पूछती हूँ, अगर औलाद नहीं चाहिए थी तो मुझे पैदा क्यों किया था? मैं न अच्छी माँ हूँ, न अच्छी बीवी, और ये सब आपकी वजह से है, जिसके लिए मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी। रिटायरमेंट के बाद नंदा अपनी फैमिली और क्लोज फ्रेंड्स के अलावा किसी से नहीं मिलती थी। एक जमाने में मनमोहन देसाई नंदा के जबरदस्त फैन हुआ करते थे। उनका पोस्टर देखकर गाड़ी रोक देते और उनकी इमेज को देखते रहते। सालों बाद जब मनमोहन देसाई की पत्नी का देहांत हो गया तो दोनों की क्लोज फ्रेंड वहीदा रहमान ने उन्हें डिनर पर बुलाया और वही मनमोहन जी ने नंदा को प्रपोज कर दिया, जिसे नंदा रिफ्यूज नहीं कर सकी और 53 इयर्स की एज में उनकी सगाई हो गई। लेकिन शादी से पहले ही मनमोहन देसाई एक हादसे का शिकार हो गए, जिसके बाद नंदा एकांत में चली गई। बस कभी कभी क्लोज फ्रेंड्स वहीदा रहमान, आशा पारेख, हेलेन और साधना से मिल लेती। फाइनली 25 मार्च 2014 को अचानक उनकी दिल की धड़कने हमेशा के लिए थम गईं। अनफॉर्चुनेटली उन्हीं की फिल्म आहिस्ता आहिस्ता का एक गीत उनके जीवन की सच्चाई बन गया। कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कहीं जमीन कहीं आसमान नहीं मिलता। इसी के साथ मैं यानी अदा लेती हूँ आपसे विदा। नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल, रखिए अपना ख्याल। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।